तो दोस्तों देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं राइट सबसे right. so, पहले मैंने यहाँ पे लिखा था स्पोकन इंग्लिश मैंने इस अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है इसको कैसे उच्चारण करना है फिर भी मैं एक बार बताता हूँ आपको दोबारा से क्लियर तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आधा स प्लस प प्लस उ प्लस क प्लस अन ठीक है स्पोकन तो आपको इसको स्पोकन एंड स्पोकन नहीं, नहीं बोलना है इसका जो करेक्ट उच्चारण है ये है स्पोकन ये क्या है इंग्लिश नहीं बोलना आपको बोलना है स्पोकन इंग्लिश इंग्लिश राइट स्पोकन इंग्लिस क्लियर अब बात करते हैं एल्फबेट की मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसका उच्चारण बताया था फिर भी मैं बता देता हूं दोबारा से तो ये अल्फाबेट नहीं होता है दोस्तों ये होता है एल्फ जो स्ट्रेस होता है ना ये हमारे ए पे होता है पहले वाले पे क्लियर तो स्ट्रेस का ये देख रहे हो आप ये स्ट्रेस का पहचान है ठीक है ये यहाँ पे ये दो स्ट्रेस होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ये मैं एक, एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस पर तो इसको आपको कैसे प्रनाउंस करना है दोस्तों इसको आपको प्रोनाउंस करना है एल्फबेट एल्फबेट और राइट तो आई शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहला लेटर जो हमारा है अल्फाबेट का वो है ए राइट हम में से बहुत सारे ऐसे लोग इसको ए बोलते हैं है ना बट इसका जो करेक्ट उच्चारण है दोस्तों ये होता है ए ए और छोटा ई छोटा ई में भी आपको हल्का सा साउंड करना है ए ए राइट right? और मैं आपको बता दूं कि लास्ट में अगर ए और वाई आता है तो उसका भी साउंड बनता है ए जैसे आपको बताते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों डी ए वाई और राइट right? तो इसको हमें डे नहीं बोलना है क्योंकि ये जो शुद्ध उच्चारण इसका जो है यहाँ पे ये वाला उच्चारण काम कर रहा है इसका पे तो हमें क्या बोलना है डे डे और जो आपके पास डिक्शनरी तो होगी ही मान लीजिए आपको ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी आप फॉलो कीजिए तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहेगा आपके डिक्शनरी को आप देख लीजिएगा डी लिखा रहेगा उसके बाद ई उसके बाद आई तो ये मैंने हिंदी में भी लिखा हुआ है तो इसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना आपको इसको डे नहीं बोलना है दोस्तों आपको इसको प्रोनाउंस करना है डे डे ठीक इसी प्रकार दूसरा वर्ड है एस ए वाई एस ए वाई तो जो आपकी ऑक्सफर्ड जो आपकी शब्द कोर्स है आप उसमें चेक करेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा एस ई आई इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे आप सई जैसे आप कहते हैं ना आई वॉन्ट से समथिंग आई वॉन्ट टू से समथिंग तो आई वॉन्ट टू से समथिंग नहीं आपको कैसे बोलना है आई अंट टू सही समथिंग सही समथिंग राइट ठीक इसी प्रकार लिखा हुआ है पी ए वाई फे अंट टू फे अंट टू फे राइट दूसरा हमारा है बी देखिए मैंने आप ये देख रहे ना मैंने अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है ए को ई e आई ऐसे बोलता है ठीक है ये लिखा है बी बी में कोई इशू नहीं है बी अंग्रेजी में कैसे रहेगा बी आई ठीक है बी रहेगा फिर आई और आई के बाद दो डॉट ठीक उसके बाद सी उसके बाद हमारा है डी अंग्रेजी में देख रहे हैं, si, सही है, डी आई ये जो हमारा डी है दोस्तों इसको soft होता है, ठीक है जो डी होता है इसको में soft. मैं पे लिख देता हूं एस साउंड राइट यानी कि सॉफ्ट साउंड इसको हमें दांतों से बोलना है ये डी ऐसे नहीं बोलना दोस्तों ठीक है इसको हमें क्या बोलना है दांतों से दोनों जो हमारी अपर एंड लोअर जो टीथ होते हैं ये दोनों सटने चाहिए जैसे बोलना है डी 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 राइट और सॉफ्ट रहेगा डी डी और राइट मैं दोबारा से बता देता हूँ जो डी साउंड होता है वो होता है सॉफ्ट साउंड और राइट और इसको हमें क्या बोलना है इसको दोनों दांतों को हमें टच करना है डी डी और राइट अब बात करते हैं ई कोई सुनी ई अब बात करते हैं एफ़ की दोस्तों सो तो दोस्तों ये जो एफ़ है हमारा ये दोनों जो हमारे लिप्स है ना अपर एंड लोअर ये टच नहीं करने चाहिए थोड़ा सा हवा आना चाहिए एफ एफ ठीक है अगर हम एफ प्रोनाउंस कर रहे हैं तो हमारे जीभ नहीं टच करने चाहिए सॉरी जो लिप्स होते हैं हमारे अपो एंड लोअर के जैसे मतलब एफ एफ टोटल हवा आएगा क्लियर तो आपको कैसे प्रोनाउंस करना है एफ तो यदि आप मान लीजिए बोलते हैं फ्रेंड तो फ्रेंड आपके दोनों आ, लिप्स अपर एंड लोअर टच नहीं करने चाहिए राइट कैसे बोलेंगे आप फ्रेंड फ्रंट राइट अब बात करते हैं जी सो दोस्तों ये ये भी सॉफ्ट साउंड होता है आपको कैसे बोलना है जी जी और राइट अब बात करते हैं हम एच की तो दोस्तों हमें से बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं एच एंड यच गाँव में बेचारे इसको एच यच बोल देते थे ठीक है इसका जो करेक्ट उच्चारण है दोस्तों ये होता है एच एच और राइट कैसे आप प्रनाउंस करेंगे एच ओ राइट नेक्स्ट हमारा है ये है आई देखिए मैंने यहाँ पे एक अंडरलाइन किया है आगे ऊपर तो आपको इसको पे आपको इस यहाँ पे स्ट्रेस करना है हालांकि ये स्ट्रेस का साइन नहीं होता है फिर भी आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया क्योंकि आपको यहाँ पे स्ट्रेस करना है और राइट तो आप क्या बोलेंगे आय ठीक ठीक इसी प्रकार हमारा है जय ये भी सॉफ्ट साउंड है जैसे आप जी बोलते हैं ठीक इसी प्रकार इन द सेम वे आपको बोलना है जय 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 के ऊपर ए की मात्रा उसके बाद छोटी जय राइट अब बात करते हैं हम के की तो हमने से बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं के है ना बट ये दोस्तों के नहीं होता ये भी होता है जे की तरह लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होगा आप बोल सकते हैं खेई खई ये स्पैरेटेड साउंड है दोस्तों ठीक है क ख के बीच वाला साउंड तो इसको बोलेंगे हम खई राइट उसके बाद बोलेंगे एल देखिए ये भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों ये आ, एल जो हमें बोलना है इसको हमें बोलना होता है जो हमारा जो टंग होता है जीभ होती है उसको थोड़ा सा हमें दांतों में, में टच करना होता है राइट्स right? तो हम क्या बोलेंगे जैसे आपको बोलना हो हेलो uh, हेलो तो आपको हेलो नहीं बोलना है जो हमारा जो जीभ है वो ऊपर वाले दांतों पर टच करना चाहिए हेलो हेलो राइट अब आते हैं हम एम पे इसमें कोई नहीं एम टोटल आपको बोलना है एम एन अब बात करते हैं ओ क्योंकि वो होता ही नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ ब्रिटिश अंग्रेजी चलती है दोस्तों ठीक है सरकारी तौर पर ब्रिटिश अंग्रेजी हम बोलते हैं तो ये जो ओ होता है वो दरअसल ओ होता ही नहीं इसका जो करेक्ट उच्चारण है ये है अ आधा अ और ओ यहाँ पे बी ई e लिखा है नहीं ब्रिटिश इंग्लिस राइट और अमेरिकन में इसको बोलते हैं औ यानी ओ प्लस उ तो ये हमारा ये जो ओ है ये क्या है ओ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे लिखा है मैंने यहाँ पे जी ओ और राइट तो ये दोस्तों ये गो नहीं होता है ठीक है ये गो नहीं होता है ये दरअसल होता है गो आप ऑक्सफोर्ड आप शब्द कोर्स में अपने देखेंगे तो डिक्शनरी में आपके ऐसे लिखे रहे जी उल्टा ई और यू ठीक है मैंने देखे यहां पे ओ पे इसका अंग्रेजी में लिखा हुआ है मैंने ओ पे यहां पे ऐसे ठीक है तो ये हो जाएगा गो जैसे आपको कहना हो कि मैं जाना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू गव आई वॉन्ट टू गो नहीं आई टू गव आई टू गव ठीक है जैसे इस प्रकार है नो तो दोस्तों ये नो नहीं होता क्योंकि जो ओ है ओ का देखिए साइन यही है आपके डिक्शनरी में आपके ऐसे ही लिखा रहेगा समझ रहा हूँ ये एन उल्टा ई और यू तो ये क्या हो जाएगा नव नव नो 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 आई आई वॉन्ट नव आई वॉन्ट राइट आई वॉन्ट क्यो देर राइट दोस्तों अब बात करते हैं पी ये भी दोस्तों देखिए एक स्पेरिटेड साउंड जो पफ ऑफ एयर आता है फी 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 राइट right? अब बात करते हैं क्यू देखिए मैं फिर से अब बता देता हूँ आपको पी ये जो पी होता है ना दरअसल इसको प और फ के बीच वाला साउंड होता है तो हमें कैसे इसको प्रोनाउंस करना है फी जैसे एक हमारा वर्ड है फवम ठीक है जो आप पोयम पोयम बोलते हैं पोवम बोल देते हैं तो वो दरअसल होता है फोअम फवम राइट अब बात करते हैं क्यू कोई शू नहीं है अब बात करते हैं आर तो दोस्तों ये जो आर होता है ये ब्रिटिश अंग्रेजी में आर नहीं बोला जाता ये अल्फाबेट में इसका जो साउंड होता है ये होता है आ आ राइट ये ब्रिटिश की बात कर रहा हूं जो हमारे यहाँ चलती है अमेरिकन में इसको बोलते हैं आर यानी जो वो र बोलते हैं ना तो उनकी जो टंग है जीव है वो मुड़ जाती है इसको बोलेंगे वो आर, आर 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 राइट अब बात करते हैं एस कोई सुनिए अब बात करते हैं टी तो दोस्तों ये भी स्पैरेटेड साउंड होता है पफ ऑफ एयर ट और ठ के बीच वाला साउंड तो मैंने यहाँ पे ठी लिख दिया है तो उसको आपको कैसे बोलना है दांतों की सहायता से बोलना है आपको बोलना है ठी ठी ये जो है ठी यानी मैंने टोटल मैंने यहां पे ठीक लिखा हो तो आपको ये नहीं कि बोल दें। आपको बोलना है ठी राइट ये जो है आपको बोलना है ठी ठी राइट अब बात करते हैं यू इसमें कोई इशू नहीं यू अब बात करते हैं वी तो दोस्तों ये जो वी है ना ये हमें जो हमारा जो लोअर लिप्स है उसको दांतों के नीचे करना पड़ेगा जैसे हम बोलते हैं ना दांत ऊपर रहेंगे हमारे वी वी यानी जो हमारा अपर तीत है अपर दांत जो हमारा वो लिप्स के ऊपर आ जाएगा तो हमें क्या बोलना है वी जैसे हमें बोलना वेरी वेरी और राइट ये हमारा है डबल्यू राइट कैसे आप प्रनाउंस करेंगे डबल्यू तो दोस्तों जब डबल्यू बोलते हैं तो जैसे आप विसिल करते हो ना विसिल सीटी बजाते हो, है ना? तो दोस्तों ये जो होता है ये हमारा जो लिप्स है दोनों ये गोल हो जाते हैं जैसे हमें बोलना है वॉट वॉच तो ये नहीं वॉच अब मैं चेहरा फेसियल एक्सप्रेशन तो दिखा नहीं सकता हालांकि कभी आ, वीडियो में आपको बता दूंगा दोबारा कभी रिकपिचुलेट करेंगे यानी कि ब्रीफ में इसको यू नो दोहराएंगे तो आपको मैं बता सकता हूँ ठीक है तो इसको हमें गोल कर लेना दोनों लिप्स वॉच वॉट ये होता है डब्ल्यू ठीक है एक्स कोई है वाई देखिए वो पर हमें स्ट्रेस करना ये स्ट्रेस का साइन नहीं है दोस्तों ये स्ट्रेस का साइन नहीं है ये मैंने आपको बस समझने के लिए यहां पे लिखा है कि इस पे में थोड़ा सा हमें स्ट्रेस करना है रुकना है राइट स्ट्रेस का जो साइन होता है ये ऐसे होता है ठीक है यहां पे तो दोस्तों ये है वाई ठीक अब बात करते हैं जेड ज ज के नीचे एक नुकता है तो इसको हमें क्या बोलना है जेड 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 ये हमारा होता है ब्रिटिश अंग्रेज जो हमारे यहाँ चलती है ठीक है अमेरिकन में इसको क्या बोलते हैं जी जी ठीक है ज के नीचे नुकता है जी जी ठीक है यहाँ पे दोस्तों ये हमारा अल्फाबेट ये मैंने हिंदी में इसका उच्चारण लिखा था अंग्रेजी में देखिए कैसे रहेगा ये देख रहे हो आप ई आई बी का बी आई प्लस यू नो आई के ऊपर एक ठिठल रहेगा उसके बाद दो डॉट एस आई दो डॉट ठीक है एफ कोई सुनी ये आप देख सकते हैं ई e, इसके बारे में दोबारा बताऊँगा और राइट दोस्तों क्लियर अब बात करते हैं जी तो ये डी और तीन की तरह है ठीक है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा मैं एक वाउल साउंड जब इसकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तब आप पढ़ सकते हैं क्लियर दोस्तों तो उल्टा प्लस आई फाइन और ये हमारा है एच। एच में भी देखिए यहाँ पे ई आई टी और ये एफ की तरह है एफ में नहीं है और राइट ये हो जाएगा एच एच आई को कैसे लिखते हैं ए आई आप देख लीजिएगा दोस्तों मैंने यहाँ पे दिखा है आप देख सकते हैं सारा मैंने यहाँ पे लिखा है जे भी जो लगे तो ऐसे रहेगा उसका साइन डी उल्टा ई प्लस ई प्लस आई जे के यानी जो क है उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिखा है ना ए तो ए का क्या हुआ ई आई तो ये हो जाएगा के एल एम एन और जो अव का जो साइन है दोस्तों मैंने लिखा हुआ है जैसे मैंने लिखा है गव राइट यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है गव तो दोस्तों ये गो है तो मैंने यहाँ पे लिखा जी उसके बाद अव का साउंड तो ये क्या हो गया गव राइट दोस्तों ये हमारा अल्फाबेट था और आ, मेरी ममा कॉल कर रही हैं तो मुझे जाना पड़ेगा इसलिए जल्दी कर रहा हूँ और ये लास्ट के दो हमारे दो साउंड जो बचे हैं ये है थीटा ये है डेल्टा थीटा डेल्टा ठीक है थ और दो का साउंड भी होता है और ये होता है दोनों ये दोस्तों होता है कि आ, ये दोनों दाँतों के बीच में हमें अपनी आ, टंग लानी पड़ती जीप जैसे आपको बोलना हो थ क्योंकि थ अंग्रेजी में नहीं होता है राइट तो इसको हमें बोलना है दोनों दांतों के बीच में हमें अपना जीव रखना है तो हमें क्या बोलेंगे जैसे मैं थैंक यू बोलते ना तो इसको बोलना चाहिए थैंक यू थैंक यू दोनों दांतों के बीच में हमारा जीव आना चाहिए जैसे आपको बोलना हो थिंक आई थिंक आई थिंक राइट तो आपको थिंक नहीं बोलना है आपको बोलना है दोनों दांतों के बीच में आपका टंग होगा आई थिंक आई थिंक राइट ठीक इसी प्रकार द भी बोला जाता है दोनों दांतों के बीच में हमारा टंग होता है सो so, दोस्तों मेरी मोम बुला रही है तो मुझे जाना पड़ेगा ठीक है हालांकि ये दो साउंड है थ और द के जैसा कि मैंने आपको बताया ये दोनों साउंड जो होते हैं ये आपको दोनों दांतों के बीच में आपके जो टंग होते हैं आपको वो टंग बीच में लाने पड़ेंगे दोनों दांतों के थैंक यू आई थिंक आई थिंक आई थॉट और राइट सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इसको शेयर करना ना भूलें सो थैंक यू सो मच और कमेंट uh, भी कर दें दोस्तों लाइक like भी कर दें मेरी वीडियो को थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू सो मच